स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर। ओके, कल प्रीवियसली हमने देखा था साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हम अब एनिमल और प्लांट की हम कंपेयर करेंगे दोनों के सेल का। तो साइटोप्लाज्म देखो जेली लाइक सब्सटेंस था जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में रहता था, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, अब न्यूक्लियस क्या करता है, तो आउटर जो भी कंटेंट रहता है उसको उससे उसको प्रोटेक्शन भी देता है, ये सब काम करता है। अब हम आज देखेंगे कि जो एनिमल का हमारा सेल है वो एनिमल का सेल और प्लांट का जो हमारा सेल था, तो एनिमल का सेल और प्लांट की सेल की हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से बेटर कौन है और दोनों में से न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म किस में प्रेजेंट है। मीन्स अलग अलग हम कंटेंट देखेंगे और कौन किस में है वो हम आज देखने वाले हैं। ओके, तो ये आपका लास्ट लेक्चर है, उसके बाद ये आपका चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखो फिगर में एक बार देख लो आप, यहाँ पे ए है वो प्लांट सेल है और ये बी जो है आपका एनिमल सेल दिया हुआ है। तो प्लांट सेल में देखो, प्लांट सेल में न्यूक्लियस कैसा दिया हुआ है यहाँ पे राउंड सर्कल में, और ये देखो यहाँ बी है ना वो एनिमल सेल है, एनिमल मीन्स हम भी एक एनिमल में आते हैं, तो हमारा न्यूक्लियस बीच में रहता है। एनिमल्स में कहाँ पे न्यूक्लियस बीच में है और प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे है, तो ये बॉर्डर पे दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई पूछे कि न्यूक्लियस एनिमल सेल में रहता है, प्लांट सेल में रहता है कि दोनों में रहता है, तो ये दोनों में दिया हुआ है। फिर देखो यहाँ पे बीच में प्लांट सेल में, यहाँ पे बीच में ऐसी स्पेस दी हुई है, प्लांट सेल में बीच में स्पेस है जहाँ पे वैक्यूल लिखा हुआ है, और एनिमल सेल पूरा येलो किया हुआ है और बीच में थोड़ा थोड़ा व्हाइट पार्ट दिखाया हुआ है, वो किसका, यहाँ पे वैक्यूल दिया हुआ है। फिर सेल मेम्ब्रेन में जो आउटर जो सरफेस रहती है वो, तो यहाँ पे देखो प्लांट सेल की ये आउटर सरफेस, तो ये सेल मेम्ब्रेन। फिर एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में भी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए एंड बी, तो यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन दिया हुआ है। फिर वैक्यूल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में क्या है कि ये जो आउटर ऑर्बिट है साइटोप्लाज्म मीन्स ये दिखाया हुआ है ना जूस जैसा, मीन्स जेली जैसा, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखो ये पूरी फिगर की बात हो गई किसकी, एनिमल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की। तो अब देखते हैं, इफ यू रिकॉल 8.3 एंड 8.4 एक्टिविटी, यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल। और ऑब्जर्व करके हमने एक फिगर 8.7.A और बी में दोनों को हमको दम ने दिखाया हुआ है, प्लांट एंड एनिमल। लेट अस टेब्यूलेट द सिमिलरिटी एंड डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो अभी देखो यहाँ पे नीचे आपको दिखाया हुआ एक क्या बोला है कि टेबल बनाओ, टेबल में दोनों को कंपेरिजन करो, ओनली अ फ्यू फीचर मेंशन है और आप थोड़े से एक्स्ट्रा ऐड करो। तो देखो यहाँ पे अलग अलग 8 पार्ट दिए हुए हैं, कौन कौन से है, तो सेल मेम्ब्रेन्स, सेल वॉल, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड, वैक्यूल। तो देखो सेल मेम्ब्रेन्स ऊपर, सेल मेम्ब्रेन्स दोनों में है तो हाँ, दोनों में प्रेजेंट, तो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। सेकंड सेल वॉल कहाँ पे दिख रही है, सेल वॉल तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे तो सेल वॉल है ही नहीं, तो लेफ्ट साइड में कौन सा है, प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में प्रेजेंट है और यहाँ पे एब्सेंट। न्यूक्लियस दोनों में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी प्रेजेंट, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट। फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो आप अपने हिसाब से देख लेना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। फिर साइटोप्लाज्म, तो क्या आएगा बोलो साइटोप्लाज्म में, तो पहले देखो कि दोनों में दिया है कि एक में दिया है, दोनों में दिया है। देखो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से आता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही दिया है आपको प्लांट में, तो बता ही देता हूँ कि ये इसमें प्रेजेंट रहेगा, ये इसमें एब्सेंट रहेगा। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है, तो साइटोप्लाज्म मीन्स यहाँ पे भी मीन्स प्लांट सेल में भी प्रेजेंट और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट। प्लास्टिड्स कहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये अपने हिसाब से देख लेना। और वैक्यूल, तो वैक्यूल दिया है दोनों में, तो वो भी मीन्स ये टेबल आप अपने बुक में बनाना कैसे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस है कि एनिमल और प्लांट सेल की फिगर ड्रॉ आउट करो और दोनों की कंपैरिजन करो, तो दोनों की कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हो, ये कंपैरिजन ही है कि एक में प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, एक में एब्सेंट है, दूसरे में एब्सेंट है, वो करके आप पूरी आप कंपैरिजन बना सकते हो। तो यहाँ पे आप हम चैप्टर 8 आपका जो है सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस वो यहाँ पे हम
खत्म करते हैं। ओके।